स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब भी आप सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इस्लाम, या फिर उसके विशाल रेगिस्तानी मैदानों के पीछे छिपे ऑयल के बड़े बड़े भंडार? और आए भी क्यों ना, इन्हीं दो चीजों ने तो सऊदी अरेबिया को वो दर्जा दिया है जिसके लिए उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। ऑयल सऊदी अरेबिया के लिए वो खजाना है जिसने उनकी रूलिंग डायनेस्टी अल साउद को बेरंग और बेजान रेगिस्तानों से उठाकर आज दुनिया की सबसे अमीर और सबसे ताकतवर फैमिली में तब्दील कर दिया है। आज इस ऑयल रिच किंगडम के पास दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। ये किंगडम वर्ल्ड का 16.2% ऑयल होल्ड करता है। ऑयल ने इस किंगडम की इकोनॉमी, या यूं कहें कि उसके किंग्स की तकदीर को कुछ इस तरह बदला है कि आज इनकी रॉयल फैमिली की नेटवर्थ $1.4 trillion बताई जाती है। आपको बता दें कि ये वैल्यू मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे डेवलप्ड और प्रॉस्परस देशों की GDP से भी कई ज़्यादा है, और इसीलिए उनका दबदबा पूरी दुनिया में कायम है। उसी तरह सऊदी अरेबिया की दूसरी अहम आइडेंटिटी है इस किंगडम का स्टेट रिलीजन, यानी कि इस्लाम। सऊदी अरेबिया को इस्लाम की जन्मभूमि कहा जाता है। सऊदी अरेबिया को इस्लाम की दो होलीस्ट सिटीज मक्का और मदीना का गार्जियन माना जाता है, और इन्हीं कारणों की वजह से सऊदी अरेबिया ने काफ़ी लंबे समय तक इस्लामिक वर्ल्ड के नेचुरल लीडर का रोल निभाया है। लेकिन पिछले कुछ दशक में सऊदी अरेबिया की इस लीडरशिप को कई बार चैलेंज किया गया, लेकिन इनमें से कुछ भी सऊदी अरेबिया की हेजमनी को टस से मस नहीं कर पाया। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यही जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वीडियो UPSC GS2 के IR सेक्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए इससे जुड़ा एक क्वेश्चन हम आपके लिए एंड में छोड़कर जाएंगे जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि UPSC का पैटर्न चेंज होने के बाद अगर किसी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के साथ इशू ये है कि इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है, और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स फोमो के चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त कोर सब्जेक्ट से सैक्रिफाइस करके करंट अफेयर्स में लगाना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी तैयारी की गाड़ी अपने ट्रैक से हट जाती है। पर ये समस्या थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि अब स्टडी IQ के लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच में कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आप अपने करंट अफेयर्स डेली PDFs के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के साथ साथ योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को भी कवर किया जाएगा। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप और रिटायर्ड IAS ऑफिसर से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AG Live। मॉर्निंग बैचेस की शुरुआत 11th जुलाई मॉर्निंग 8 AM से होने जा रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आते हैं, आइए सबसे पहले आपको इतिहास के उन किस्सों से रूबरू कराते हैं जहां से इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनने की लंबी जद्दोजहद शुरू हुई। साल था 1923, दिन 23 अक्टूबर। रिपब्लिक ऑफ टर्की ने ऑटोमन एम्पायर के सक्सेसर के रूप में जन्म लिया। ऑटोमन एम्पायर की आर्मी के फॉर्मर कमांडर और World War I के हीरो मुस्तफा केमल पाशा टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने। इसके एक साल बाद उन्होंने कैलिफेट के सदियों पुराने ऑफिस को एबॉलिश किया और आखिरी ऑटोमन खलीफ को एग्जाइल में भेज दिया। आते ही उन्होंने यहाँ रेडिकल रिफॉर्म्स चालू किए जो टर्की को एक सेकुलर रिपब्लिक में तब्दील करना चाहते थे। लेकिन यहीं से मुस्लिम लीडर्स के बीच मुस्लिम वर्ल्ड का नया लीडर बनने की एक जंग छिड़ गई। World War I के दौरान दुनिया भर के मुस्लिम रूलर्स ऑटोमन एम्पायर की तरफ से यूरोपियन पावर्स के साथ लड़ रहे थे, लेकिन ऑटोमन्स की डिफीट के बाद कई मुस्लिम लीडर्स ने एकजुट होकर मुस्तफ़ा केमल का पावर में आना स्वीकार किया, क्योंकि उनको मुस्तफ़ा में इस्लाम का मॉडर्न आर्किटेक्ट नज़र आता था। ब्रिटिश हिस्टोरियन ईकोडोरी लिखते हैं कि केमल ये जानते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड के माइंड में खलीफत की छवि बहुत गहरा प्रभाव डाल चुकी है, इसलिए मुस्तफ़ा असल में न्यू खलीफ के पद के लिए खुद का नाम देना चाहते थे। लेकिन उनका ऐसा करना उनके सेकुलराइजेशन और रिपब्लिकन प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता। खैर, यहाँ हमें ये समझ में आता है कि टर्की को सेकुलराइज करने के एग्रेसिव मिशन के बावजूद केमल अभी भी टर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर बनाकर रखना चाहते थे। खलीफत के अबॉलिश होने के बाद इस टाइटल की रेस में टर्की के दो और कॉम्पिटिटर्स तैयार हो गए, जिसमें थे इजिप्ट के किंग फुआद
जो अभी भी ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थे, और दूसरे वहाबी अरब ट्राइबल लीडर इब्न साउद, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद से फॉर्मर ओटोमन टेरिटरीज को कैप्चर करके 1932 में सऊदी अरेबिया की स्थापना की। 1926 में फुआद ने कायरो, जो एक इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उसको साउद के द्वारा अटेंड नहीं किया गया। कुछ ही हफ्तों बाद साउद ने मक्का में एक ऐसे ही कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। टर्की और शिया मेजोरिटी ईरान, इन दोनों में से किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। 1947 में इस रेस में एक नए प्लेयर पाकिस्तान ने एंट्री ली। पाकिस्तान के फॉर्मेशन में मुस्लिम रिफॉर्मर्स सर सैयद अहमद खान और पोइट और फिलोसोफर मोहम्मद इकबाल के आइडियाज का बड़ा योगदान था। इनसे इंस्पायर होकर मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसी मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते थे जो अरब के ट्राइबल कल्चर से हटके बदलते वक्त के अनुसार चले। लेकिन पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान इस बात पर टिके हुए थे कि पाकिस्तान केवल एक आम मुस्लिम कंट्री नहीं है। 1951 में पाकिस्तान ने भी कराची में एक वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अरेंज की, जहां लियाकत अली खान ने पैन इस्लामिक आइडियाज पर बेहद जोर दिया। पैन इस्लामिक का मतलब था कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होकर एक इस्लामिक कंट्री या लीडर के अंडर ऑपरेट करे। लेकिन सऊदी अरेबिया खुद को पहले से ही एक पोस्ट कॉलोनियल मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर का दर्जा दे चुका था। लेकिन फिर 1952 में इजिप्ट में एक कू हुआ, और यहां पर एंट्री हुई गमाल अब्दुल नसीर की। इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट नसीर की पर्सनैलिटी पहले से ही बहुत कैरिज्मेटिक और अट्रैक्टिव थी। नसीर ने पूरे अरब वर्ल्ड को इजिप्ट के सक्सेसफुल सोशलिज्म का सपना दिखाकर सऊदी के रूढ़िवादी और रिजिड रूल को चैलेंज किया। लेकिन जब उन्होंने 1956 की स्वेज क्राइसिस के दौरान ब्रिटिश, फ्रेंच और इजरायली फोर्सेस को हरा दिया, तब उनकी इमेज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक हीरो की तरह निखर कर आई। इसके बाद लगभग एक दशक तक नासिर रूल्ड इजिप्ट मुस्लिम वर्ल्ड का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनकर टिका रहा, और साथ ही में उन्होंने अरब और नॉन अरब रीजन्स के करोड़ों मुस्लिम्स को इंस्पायर किया। इस बीच 1964 में सऊदी की गद्दी पर किंग फैजल का आगमन हुआ। इजिप्ट की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने सऊदी को मॉडर्नाइज करने का काम शुरू किया। उधर 1967 के सिक्स डे वॉर में इसराइल से मिली डिफीट के बाद इजिप्ट में नसीर का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन होता चला गया। 1970 में नसीर की डेथ के बाद सऊदी अरेबिया फिर से मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप को कैच करने के लिए चल पड़ा। 1973 में हुई ऑयल क्राइसिस के बाद ऑयल का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि उसको पेट्रो डॉलर कहकर बुलाया जाने लगा, और सऊदी अरेबिया के पास तो इसके बेशुमार भंडार थे। तो इस ऑयल क्राइसिस ने पूरे विश्व में सऊदी इन्फ्लुएंस को और भी मजबूत कर दिया। उधर इजिप्ट में नसीर को अनवर सादात ने रिप्लेस किया, लेकिन सऊदी किंग फैजल ने बड़ी चालाकी से उनको अपने कंट्रोल में रखा। साथ किंग फैजल पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के एम्बिशन से भी बहुत अच्छे से वाकिफ थे, जो खुद को मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड का चैंपियन क्लेम करते थे। लेकिन 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की डिफीट ने उसकी इकोनॉमी को पूरी तरह अफेक्ट किया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग फैजल पाकिस्तान को पूरी तरह अपने एवर एक्सपैंडिंग ऑर्बिट में खींच लाए। 1980s में पेट्रोल डॉलर्स की भरमार और मुस्लिम कंट्रीज में पॉलिटिकल इस्लाम की पॉपुलैरिटी की बदौलत सऊदी के पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस में एक मैसिव राइज देखा गया। अब उसको चैलेंज करने वाला कोई बचा था तो वो था रेडिकल शिया ईरान। आपको बता दें कि ईरान एक थियोक्रेसी है, जहां पर शिया सेक्ट के रिलीजियस लीडर्स कंट्री को गवर्न करते हैं। खैर, इस दौरान मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस के लिए सुन्नी सऊदी अरेबिया और शिया ईरान पाकिस्तान और लेबनान जैसी कंट्रीज में सेक्टेरियन वॉर्स लड़ते रहे। लेकिन 21st सेंचुरी के वर्ल्ड में चीजों को पूरी तरह पलट कर रख दिया। इस सेंचुरी में मुस्लिम वर्ल्ड ने एक वायलेंट अरब स्प्रिंग का सामना किया। लीबिया, इराक और ट्यूनिशिया जैसे देशों में डिक्टेटर्स का अंत हुआ। अफगानिस्तान, सोमालिया, सीरिया और यमन जैसे देश सिविल वॉर्स की चपेट में आ गए। कई मुस्लिम कंट्रीज में बहुत से टेररिस्ट आउटफिट्स का जन्म हुआ। साथ ही यूएस ने इस रीजन से खुद को वापस खींचना शुरू किया, और दुनिया को चाइना का एक मैसिव राइज देखने को मिला। इन सभी चैलेंजेस ने मुस्लिम कंट्रीज को उनकी मेन प्रॉपर्टीज पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस सब के बीच सऊदी ने अपनी लीडरशिप को बखूबी सस्टेन किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन चैलेंजेस का डर सऊदी अरेबिया के रूढ़िवादी राज को भी था। इसीलिए आज सऊदी के नए मोनार्क्स किंग फैजल के रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को फिर से इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, अभी हमने देखा कि लास्ट सेंचुरी में कैसे सभी चैलेंजेस को टैकल करते हुए सऊदी ने एक लंबे समय तक इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप एंजॉय की। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुस्लिम वर्ल्ड में
कई ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसमें सऊदी को उसकी इस पोजीशन से हटाने की पुरजोर कोशिश की। यानी कि किसी शताब्दी में हमें इस टाइटल को लेकर फिर से एक रेस देखने को मिली है। इस डायरेक्शन में एक सबसे क्रूशियल डेवलपमेंट 2019 में हुई कुआलालंपुर समिट के रूप में देखने को मिला, जिसको कतर, ईरान, टर्की और इंडोनेशिया के द्वारा मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में अटेंड किया गया। ये सभी पावर्स खुद को इस्लामिक वर्ल्ड के नए लीडर्स की तरह प्रेजेंट करके सऊदी अरेबिया की पोजीशन को चैलेंज कर रही थी। एक ऐसी ही ग्रुपिंग तीन नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया के द्वारा मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर सऊदी लेड अरब डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए बनाई गई। ये तीनों मिलकर इस्लामिक वर्ल्ड में रेनेसेंस यानी पुनर्जागरण लाना चाहते थे। इस्लामोफोबिया खत्म करके दुनिया भर के मुस्लिम्स की लाइफ्स को बेहतर बनाना चाहते थे। इनका कहना था कि सऊदी ऐसा करने में असफल रहा है और मुस्लिम वर्ल्ड को एक चेंज की जरूरत है। इन तीनों ने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक नया चैनल लॉन्च करने की बात की थी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। खैर, यहाँ पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया का एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमिक एलाई हुआ करता था, वो सऊदी अरेबिया और इंडिया के क्लोज रिलेशन से नाराज था। सऊदी और यूएई समेत OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के साथ इंडिया की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखते हुए पाकिस्तान को कश्मीर पर OIC का सपोर्ट खत्म होता दिखाई दे रहा था। इसके अलावा टर्की, जो इस मुस्लिम लीडरशिप के गेम में काफ़ी पहले ही बाहर आ चुका था, उसने भी हाल ही में इस गेम में फिर से एंटर करने की कोशिश की है। प्रेसिडेंट अर्दोगान के अंडर टर्की ने नॉन अरब मुस्लिम रीजन्स को सऊदी के ऑर्बिट से बाहर आने के लिए प्रेशराइज किया। उनका मानना था कि टर्की इस रोल के लिए एक नेचुरल और ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है। प्रेसिडेंट अर्दोगान एंशिएंट ओटोमन एम्पायर की ग्लोरी को वापस लाना चाहते थे। इसके अलावा 2018 में सऊदी रिपोर्टर जमाल कशोगी के मर्डर इन दोनों के रिलेशंस को उसके वर्स्ट फेज में ले गए। ये मर्डर इस्तांबुल में सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में हुआ था। टर्की ने इस केस से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव डेटा और वीडियो फुटेज रिलीज किए, जिसके बाद इस केस के लिए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया गया। टर्की और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस केस को लेकर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लगातार सीरियस इन्वेस्टिगेशंस की मांग करते रहे, और इससे सऊदी अरेबिया की हेजमनी को एक बड़ा झटका लगा। इसके अलावा ईरान भी एंटी सऊदी ब्लॉक्स जैसे कि यमन में हाउथीज और सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट करता आ रहा है। इसी बीच 2017 से कतर को ईरान के साथ उसकी टाइज की वजह से सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और बहरीन की ओर से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉकेट का सामना करना पड़ रहा था। तो ईरान और कतर भी सऊदी की डोमिनेंस को लगातार चैलेंज कर रहे थे। इधर साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया के सिटीजन्स वहां सऊदी अरेबिया के वहाबिज्म को प्रमोट करने पर सवाल उठा रहे थे। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल रिलीजन वहाबिज्म है। वहाबिज्म इस्लाम की सुन्नी ब्रांच का एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव वर्जन है। तो इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया का ऑर्बिट डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसे डेवलपमेंट्स देखने को मिले जिससे लगता है कि मानो इस्लामिक वर्ल्ड की पोल्स एक बार फिर से सऊदी अरेबिया के द्वारा ऑक्यूपाई की जा रही हैं। ये तो आप सुन ही चुके होंगे कि टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान लास्ट मंथ पूरे 5 साल के बाद सऊदी की विजिट पर थे। इस विजिट के आसपास पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी सऊदी में मौजूद थे। ये दोनों ही अपनी डूबती इकोनॉमी के लिए मोहम्मद बिन सलमान से फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन की मांग करने आए थे। यानी कि जो देश कुछ समय पहले बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी के ऑपोजिट ब्लॉक्स फॉर्म कर रहे थे, वो आज अपने डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस के बीच सऊदी से ही मदद लेने आए हैं। इसका एक मेन कारण पैंडमिक को बताया जा रहा है, जिसने मुस्लिम वर्ल्ड की छोटी बड़ी इकोनॉमीज को बड़ा झटका दिया है। टर्की से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान की इकोनॉमीज आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं। ये सब सऊदी के इन मुस्लिम नेशंस के जनरस केयर टेकर के स्टेटस को वापस बिल्ड करने में मदद कर रहा है। सऊदी की खुद की इकोनॉमी पैंडमिक के शॉक से उभरने में इसीलिए कामयाब रही क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल के दाम सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर आसमान छूने लगे। ऑयल के बढ़ते डिमांड्स और बढ़ते प्राइसेस के बदौलत सऊदी ने पिछले साल से लगभग 2 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। ऑयल के हाई प्राइसेस जहां एक तरफ सऊदी की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये बाकी मुस्लिम नेशंस की इकोनॉमिक हार्डशिप्स का कारण बन रहे थे। खैर, इसके अलावा सऊदी ने 2021 में कतर से भी ब्लॉकेड रिमूव कर दिया। ईरान के साथ भी सऊदी ने अपने कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए यमन में लड़ रहे दोनों गुटों के बीच एक सीज फायर अनाउंस किया। उसी तरह 2020 में मलेशिया में एंटी सऊदी प्रेसिडेंट
महाथीर के जाने के बाद उनके सिटीजन्स का सऊदी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म खत्म होता दिखाई दिया। इंडोनेशिया के पीएम विडोबो ने भी हाल ही में बोर्नियो आइलैंड में अपनी नई कैपिटल सिटी में इन्वेस्टमेंट्स के लिए सऊदी को इनवाइट किया, जब उसके ओरिजिनल इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक ग्रुप ने पुल बैक कर लिया। इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए आज कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्लामिक वर्ल्ड में जल्द से जल्द कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं उभरने वाला है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स का ये नियम है कि यहाँ हर एक पावर को एक ना एक पॉइंट पर आकर अपनी गद्दी से हाथ धोना ही पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए कई एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अब से कुछ ही साल बाद ग्लोबल करेंट्स में हमें फिर कई शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे और फिर से सऊदी की लीडरशिप को चैलेंज किया जाएगा। ऐसे में अगर सऊदी अरेबिया अपने रिस्क को कम करना चाहता है तो उसको इकोनॉमिक और रिलीजियस इंडिपेंडेंस के पाथ पर लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे आज सऊदी अरेबिया कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के तौर पे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। इंडिया सऊदी अरेबिया टाइज आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल बायलेटरल रिलेशनशिप्स इन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।